तो ये टिकट काउंटर, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं, लेकिन अभी नहीं ले सकते क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है, इस वजह से आप टिकट नहीं ले पाएंगे। आपको अभी तो ऑनलाइन ही बुक करना पड़ेगा, ऑफलाइन का कोई अभी सिस्टम नहीं है। बस यहाँ पर जो भी टिकट लाए हैं उनको दिखा सकते हैं, उससे आपको वहाँ से बस मिल जाएगी। वो देख रहे हैं ना, वहाँ पे लोग जा रहे हैं, वहाँ से बस मिल जाएगी आप, जो कि आपको सभी जगह घुमाएगी। आप अंदर कुछ भी नहीं ले जा सकते, इसलिए ध्यान रखें कि ज़्यादा सामान ना लाएं, क्योंकि यहाँ के लॉकर्स ज़्यादा बड़े नहीं हैं तो उनमें ज़्यादा सामान नहीं बन पाएगा आपका। छोटे छोटे बैग तो वो रख लेंगे, लेकिन आपके बड़े बैग नहीं रखेंगे, तो आप ज़्यादा सामान ना लाएं। तो मेरी एंट्री 2 बजे होनी है, तो मैं सोच रहा हूँ जब तक मैं सरदार सरोवर डैम देख के आता हूँ, तो उसको बाद में देखना है, पहले देखना बात बराबर ही है, तो पहले देख उसको देख आता हूँ, फिर स्टैचू ऑफ यूनिटी में जाऊँगा। जो आपको स्टेशन नंबर दिख रहे हैं ना, आप इन स्टेशन नंबर से आपको बस मिल जाए, आप किसी भी बस में चढ़ सकते हैं। आपको बस उससे पूछना होगा कि वो बस कहाँ जा रही है। ये अच्छा है कि ये बस एसी है, क्योंकि बहुत गर्मी है बाहर। आप तो चढ़ते चढ़ते ही थक जाएंगे, देखिए। इसलिए थोड़ा अपना, अगर आप घूमने के शौकीन है तो अपना स्टेमिना बढ़ा के रखिए, क्योंकि अब आपको कहीं भी कभी भी चढ़ना पड़ सकता है। ये है सरदार सरोवर डैम व्यू पॉइंट, ये व्यू पॉइंट है, यहाँ से आप देख सकते हो, क्या मस्त लग रहा है भाई। ये वो जो ऊपर आपको दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे अभी इधर से दूर लग रहे हैं, लेकिन वही गेट खुल जाते हैं जब इसमें ओवरफ्लो होने लगता है पानी से। यहाँ पर देखिए पहाड़ियाँ हैं, इस ऊंचाई से थोड़ा सा अच्छा व्यू आ रहा है इसका, ये देखिए। इस तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। ये जंगल सफारी का गेट, अगर आपको जंगल, अगर आपने जू नहीं देखा है तो आप इसमें जा सकते हैं देखने के लिए। मैंने तो देखा है जू, तो अभी नहीं जाऊंगा मैं। तो ये आ गए अपन स्टैचू ऑफ यूनिटी के पार्क के अंदर, यहाँ से बस अपन को उधर जाना है, वो दिख रही है ना स्टैचू ऑफ यूनिटी, उसके पास जाना है बस। ये पीछे देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपका टिकट स्कैन होगा और फिर यहाँ से आपको अंदर जाना है। तो यहाँ पे आपकी अच्छी खासी सिक्योरिटी चेकिंग होगी, आप जो भी लाए हैं वो आपको सब चेक करवाना पड़ेगा। और ये सामने आ गए अपन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रतिमा के नीचे। तो यहाँ पे आप दो तरीके से जा सकते हैं, एक तो यहाँ से बीच से जा सकते हैं और दूसरा इसके ऊपर से जा सकते हैं। ये मैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के ठीक नीचे खड़ा हूँ, ये देखिए कितना ऊंचा है, पूरा कैमरा नीचे करना पड़ा तब दिखाई दिया। यहाँ भाई ये जो लगे हैं, ये लाइट जाने के लिए, नीचे लाइट जाती है और ये शायद प्रोजेक्शन के लिए लगे हैं। पूरे सर ऊपर करना पड़ रहा है इतना। ये देखो एक पैर कितना बड़ा है, अब देखो ऊपर तो दिखाई नहीं दे रहा है, उनके सिर तो दिखाई नहीं दे रहा है। ये सामने देखिए वो सरदार सरोवर डैम दिख रहा है आपको, और ये पीछे देखिए ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के पैर हैं इतने बड़े बड़े, उसके अलावा ये उनकी मूर्ति है,
इतनी ऊंची है कि मुझे दिख ही नहीं रही है, ऊपर उनका सिर नहीं दिख रहा है। अभी इसमें ऊपर जाना पड़ेगा, व्यू उन गैलरी दिख रही होगी आपको, वो छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं, उधर ही जाते हैं अभी अपन थोड़ी देर। तो आप ये जो एंट्रेंस देख रहे हैं ना, यहाँ से अपन ऊपर तक जाएंगे बिल्कुल, इसकी व्यूइंग गैलरी ऊपर है बिल्कुल, इसके ऊपर ये यहीं पर है बिल्कुल नीचे। ए, उनका छोटा सा स्टैचू रखा। अब इस लाइन में चलते हुए अपन ऊपर तक जाएंगे। टिकट जगह जगह पे आपको दिखाना पड़ सकता है, इसलिए उसको संभाल के रखें। ये आ गए अपन एलिवेटर के अंदर, अब जाएंगे अपन ऊपर। तो ये आ गए अपन व्यूइंग गैलरी में, ये देखिए उस तरफ से भी व्यू देख सकते हैं आप, और इस मेरे पीछे के वाले साइड से भी आप बाहर का व्यू देख सकते हैं। ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये कैसे बनी हुई है देखिए, स्टील ही स्टील लगा हुआ है यहाँ पर। ये व्यूइंग गैलरी है, व्यूइंग गैलरी में कुछ खास नहीं है, व्यू में इतना अच्छा दिखता भी नहीं है। सबसे अच्छा तो बाहर से दिखता है कि कितना ऊंचा है, इधर से तो ऐसे लगता है जैसे पहाड़ी के ऊपर खड़े हैं, ऐसा कुछ खास नहीं है। तो वो है सरदार सरोवर डैम, ये लिखा है स्टैचू ऑफ यूनिटी, और ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये तो है कि यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं छुट्टी के दिन, वैसे नहीं आते होंगे इतने लोग, लेकिन ज़्यादा वीकेंड पड़ जाए या किसी त्यौहार की छुट्टी पड़ जाए तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, मतलब आज तो है बहुत ज़्यादा, ऐसी हमेशा रहती होगी। अब बाकी किसी दिन छुट्टी के दिन, बाकी ऐसे नॉर्मल डेज में आना पड़ेगा तब पता चलेगा कि कितनी भीड़ रहती है नॉर्मल दिनों में। तो कमाई तो खूब कर रहे होंगे, अगर एक दिन के 7,000 टिकट बिकने का है और इनके बिक भी जाते तो आप लगा लो कुछ टिकट 380 मैक्सिमम 380 के, अगर 400 मान के ही चलें कुछ हज़ार के भी, तो कितने के टिकट बिक रहे हैं आप खुद ही लगा लो कि 7,000 टिकट 400 के हिसाब से कितने हो रहे हैं, लगभग 2,80,000, क्या 2,80,000 तो कम ही है, लगाओ लगभग 28 लाख रुपए, 28 लाख डेली की आया है भैया छुट्टी के दिन।